हाउ डिड ब्रिटिश एंड मुगल रूल स्टडी आई क्यू में आपका स्वागत है मेरा नाम है आदेश सिंह आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिशर्स ने मुगल रूल को कैसे खत्म किया जो काम अफगान राजपूत और मराठाज नहीं कर पाए वो दूर देश से आए अंग्रेजों ने कैसे कर दिखाया इसका उत्तर जानने के लिए आपको सेवनटींथ और एटींथ सेंचुरी एडी में चल रहे पावर स्ट्रगल और सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन को अच्छे से समझना होगा और इसको समझने के लिए आज के इस लेक्चर में हम रेफरेंस लेंगे चाणक्य नीति का जिसके कुछ प्रिंसिपल्स जैसे साम दाम दंड भेद को कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने अपनी स्ट्रैटेजी में ना जानते हुए अपनाया दोस्तों चाणक्य नीति में साम का अर्थ परसुएशन दाम का मतलब बायआउट या ब्राइब करना दंड का अर्थ पनिशमेंट और भेद का मतलब डिवाइड एंड रूल से होगा आइए अब ब्रिटिशर्स की स्ट्रैटेजी पर विस्तार से चर्चा करते हैं ब्रिटिशर्स द मॉडर्न चाणक्य कहानी की शुरुआत होती है 1600 हंड्रेड एडी से कुछ इंग्लिश मर्चेंट्स आपस में मिलकर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं और फिर क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट के रॉयल चार्टर से उन्हें ईस्टर्न वर्ल्ड में ट्रेड करने का एक्सक्लूसिव राइट right मिल जाता है ट्रेड करने के इरादे से कैप्टन हॉकिस और उनके बाद थॉमस रो मुगल एम्पर जहांगीर के दरबार में आते हैं वो उन्हें ढेर सारे गिफ्ट्स देते हुए इंग्लैंड के साथ ट्रेड करने के फायदे भी बताते हैं पहले तो जहांगीर कुछ नोबल्स और पॉर्चुगीज के दबाव में ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी रॉयल फेवर देने से इनकार कर देते हैं परंतु ब्रिटिशर्स की कंसिस्टेंट परसुएजन मुगल एंपायर को ट्रेड और टैक्स कलेक्शन में होने वाले फायदे के कारण आखिरकार जहांगीर रॉयल परमिशन दे देते हैं इसको हम चाणक्य नीति की परिभाषा में साम कहते हैं शाही फरमान यानी एम्पर ऑर्डर के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को एनुअल पेमेंट के बदले पूरे मुगल साम्राज्य में फैक्ट्रीज खोलने और ट्रेड करने की इजाजत मिल जाती है शाही फरमान मिलने के बाद ब्रिटिशर्स एक एक कर सूरत मद्रास बॉम्बे कैलकाटा पटना इत्यादि जगहों पर अपनी फैक्ट्रीज स्थापित कर देते हैं धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेड रूल ऑफ लॉ और बेटर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट के कारण इन फैक्ट्रीज के अराउंड सिटीज फ्लरिश करने लगती हैं और दूर दूर से इंडियन मर्चेंट्स और बैंकर्स इन सिटीज की तरफ आकर्षित होने लगते हैं लेकिन अब ब्रिटिशर्स की एम्बिशंस बढ़ने लगती हैं पहले उनका इंटरेस्ट सिर्फ ट्रेड में था पर अब उन्हें लगने लगा कि पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करने से उनका ट्रेड करना और आसान और प्रॉफिटेबल हो जाएगा इसी लालच में ईस्ट इंडिया कंपनी 1686 AD में औरंगजेब के खिलाफ जंग छेड़ देती है पर अंग्रेजों की सेना औरंगजेब के सामने टिक नहीं पाती और बुरी तरीके से हार जाती है इस लड़ाई में हुई हार के बाद ब्रिटिशर्स को अच्छे से समझ आ जाता है कि माइटी मुगल एंपायर को हराने के लिए परसुशन ब्राइब और पनिशमेंट के साथ साथ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यानी भेद नीति का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा सबसे पहले ब्रिटिशर्स औरंगजेब के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और आगे ऐसी भूल ना करने की कसम खाते हैं औरंगजेब भी इंडियन क्राफ्ट्समैन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखते हुए पंद्रह हजार रुपए का जुर्माना लगाकर ब्रिटिशर्स को माफ कर देते हैं और यह माफी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आगे चलकर बहुत क्रूशल लाइफ लाइन साबित होती है 1707 हंड्रेड एडी में औरंगजेब के मरने के बाद सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है और कई वीक एंपेर के गद्दी संभालने के कारण मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगता है जिसका डायरेक्ट फायदा ब्रिटिशर्स को होता है आइए देखते हैं ब्रिटिशर्स ने इस पावर स्ट्रगल का कैसे फायदा उठाया वीक सक्सेस एंड द पावर स्ट्रगल वीक की प्रेजेंस में मुगल कोर्ट कंस्पिरेसीज और पावर स्ट्रगल का गढ़ बन जाता है ऐसी नाजुक स्थिति में एम्पर फारूक में ब्रिटिशर्स को एक शाही फरमान इश्यू करते हैं इस फरमान के अनुसार एक एनुअल पेमेंट के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे मुगल टेरिटरी में ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की इजाजत मिल जाती है इसके अंतर्गत ब्रिटिशर्स अपने गुड्स पर दस्तक यानी कि ड्यूटी फ़्री परमिट इश्यू कर सकते थे जिसे देखकर कोई भी लोकल रूलर उस पर एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगा सकता था पर ब्रिटिशर्स इस दस्तक सिस्टम का मिसयूज करने लगते हैं ये देखकर बंगाल के नवाब्स ब्रिटिशर्स को दस्तक का मिसयूज़ करने से रोक देते हैं और बंगाल में बनी फ़ैक्ट्रीज़ को फोर्टिफाई करने से भी मना कर देते हैं इसी बीच पर्शिया के रूलर नादिर शाह पर्शिया को बदहाली से निकालने के लिए 1739 एडी में भारत पर आक्रमण कर देते हैं इस समय के मुगल रूलर मोहम्मद शाह इस रेड के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे मुगल कोर्ट में चल रही कंस्पिरसीज के कारण नादिर शाह बहुत ही आसानी से डेली तक पहुंच जाते हैं और सत्तर करोड़ की धन संपत्ति कोहिनूर डायमंड और पीकॉक थ्रोन के साथ पर्शिया वापस लौट जाते हैं इस लूट से मुगल एम्पर की प्रेस्टीज को इेपोरेबल लॉस होता है जिससे डेकन में मराठाज और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों को साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिल जाता है पर इन दोनों पावर्स को यह पता था कि मुगल एम्पर को गन पॉइंट पर हटाना बेवकूफी होगी क्योंकि मुगल एम्पर भले ही वीक हो पर वो इंडिया की पॉलिटिकल यूनिटी के ग्रेटेस्ट सिंबल थे अवध बंगाल हैदराबाद मराठास ब्रिटिशर्स कोई भी हों सभी मुगलों की नॉमिनल सुप्रेमेसी एक्सेप्ट करते थे जिससे उनके रूल को लेजिटिमेसी मिलती थी अपनी लेजिटिमेसी बनाए रखने के लिए सबसे पहले ब्रिटिशर्स बंगाल के स्ट्रांग रूलर यानी कि नवाब को हटाने की प्लानिंग करते हैं पर ब्रिटिशर्स अभी भी इतने स्ट्रांग नहीं हुए थे कि वो बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला को डायरेक्ट चैलेंज कर सके इसलिए वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाते हैं आइए देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने चाणक्य नीति के भेद को कैसे यूज किया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सबसे पहले ब्रिटिशर्स बंगाल के नवाब के सेनापति मीर जाफर को बंगाल के बिगेस्ट बैंकर जगत सेठ की सपोर्ट से अपने साथ मिला लेते हैं और 1757 एडी में हुई बैटल ऑफ प्लासी को आसानी से जीतने के बाद ब्रिटिशर्स मीर जाफर को पपेट नवाब बना देते हैं इधर मराठास जोश में आकर 1759 एडी में गद्दी पर बैठे मुगल एम्परर शाह आलम टू से मिलकर उन्हें प्रोटेक्शन देने की पेशकश कर देते हैं। फिर क्या था मुगल एम्परर की सारी प्रॉब्लम्स अब मराठास की प्रॉब्लम थी नादर शाह के मरने के बाद उसका जनरल अहमद शाह अब्दाली फिर से डेली पर रेड करने आने वाला था 1761 में अब्दाली को रोकने के लिए गई मराठास की सेना थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में बुरी तरह से हार जाती है मराठास की इस हार के कारण इंडियन पॉलिटी में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है उधर अब्दाली भी इतना स्ट्रांग नहीं था कि इस वॉर को जीतने के बाद डेली पर कब्जा कर सके कुछ हिस्टोरियंस बताते हैं कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से यह तो नहीं डिसाइड हो पाया कि कौन भारत का अगला शासक बनेगा पर यह जरूर डिसाइड हो गया कि कौन भारत का अगला शासक नहीं बनेगा ब्रिटिशर्स इस पॉलिटिकल वैक्यूम का पूरा फायदा उठाते हैं 1764 में हुई बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स बंगाल के नवाब मीर कासिम मुगल एंपर शाह आलम टू और अवध के नवाब की ज्वाइंट सेना को हरा देते हैं और जीतने के बाद हुई ट्रीटी ऑवलाहाबाद के अंतर्गत ब्रिटिशर्स मुगल एंपर से बंगाल बिहार और ओडिशा के दीवानी राइट्स यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स हासिल कर लेते हैं पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की हार के कुछ सालों बाद ही मराठाज माइसोर और हैदराबाद ब्रिटिशर्स को ज्वाइंटली डिसलॉज करने की लास्ट कोशिश करते हैं पर ब्रिटिशर्स अब चाणक्य नीति अप्लाई करने में एक्सपर्ट हो चुके थे आइए जानते हैं ब्रेकिंग द मराठा माइसोर हैदराबाद अलायंस ब्रिटिशर्स सबसे पहले मराठा सरदार्स के बीच हो रही इंटरनल पावर स्ट्रगल को यूटिलाइज करते हुए एक के बाद एक एंग्लो मराठा वार्ड में सिंधिया भोसले होलकर और गायकवाड्स को डिवाइड कर देते हैं कुछ से दोस्ती और कुछ से दुश्मनी करते हुए ब्रिटिशर्स मराठाज को सेपरेट बैटल्स में ओवर कर देते हैं धीरे धीरे सिंधिया और भोसले लॉर्ड वेलजली की सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट कर लेते हैं जिसके अंतर्गत ब्रिटिशर्स प्रिंसली स्टेट्स को बाहरी खतरों से बचाने के लिए सेना प्रोवाइड करते थे इन रिटर्न ऑफ एन एन्युअल ट्रिब्यूट वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के निजाम को ब्राइब देकर ब्रिटिशर्स एंटी ब्रिटिश अलायंस के सेकेंड पिलर को भी तोड़ने में सफल हो जाते हैं इसके कारण माइसोर के रूलर टीपू सुल्तान अकेले पड़ जाते हैं और बड़ी ही बहादुरी से लड़ने के बावजूद 1799 एडी में हुए फोर्थ और फाइनल एंग्लो माइसोर वॉर में टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं यह तो रही पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की बात सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रंट पर भी ब्रिटिशर्स मुगल्स का सुटेबल ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे थे आइए समझते हैं कैसे सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल्स हों या मराठास सभी एटींथ सेंचुरी इंडियन पावर्स सेम ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम फॉलो कर रहे थे उनके मेजर रेवेन्यू सोर्स हेल्पलेस ओप्रेस्ड पेजेंट्स यानी किसान ही थे पर ब्रिटिशर्स बेटर ट्रेड कॉमर्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम और रूल ऑफ लॉ की मदद से इंडियन पॉपुलेशन के कुछ सेक्शंस की लॉयल्टी हासिल करने में सफल होने लगते हैं उदाहरण के लिए लॉर्ड वॉरन हेस्टिंग्स के ओरिएंटलिस्ट व्यूज के कारण कई इंडियन एलीट उनके फॉलोअर बन जाते हैं वहीं 1793 एडी के परमानेंट सेटलमेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम से कुछ जमींदार्स और मनी लेंडर्स उनके खास बन जाते हैं वहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किए गए जुडिशल और पुलिस रिफॉर्म्स लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा इंग्लिश को हायर कोर्ट्स की लैंग्वेज बनाकर मुगल सिस्टम्स को डिस्प्लेस करने लगते हैं इसके अलावा नाइन्टीन्थ सेंचुरी में ब्रिटिशर्स द्वारा किए गए एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्म्स के कारण राजा मोहन रॉय ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे सोशल रिफॉर्मर्स उनके सपोर्टर बन जाते हैं 1857 का रिवोल्ट आते आते कुछ अपर कास्ट जमींदार्स प्रिंसली स्टेट्स के राजा अर्बन एरियाज में रहने वाले एलिट्स और ब्रिटिश आर्मी में इम्प्लॉयड कुछ अनटचेबल कास्ट्स ब्रिटिश रूल के हिडन बुलवर्क्स बन जाते हैं इसी लेजिटमेसी के कारण 1857 एडी में फाइनली ब्रिटिशर्स एक अनसिविलाइज तरीके से मुगल डायनेस्टी को खत्म कर देते हैं लास्ट मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर द सेकंड को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया जाता है और मेजर विलियम हडसन सारी हदों को पार करता हुआ बड़ी ही क्रूरता से अंतिम मुगल राजकुमारों को मौत के घाट उतार देता है जिस जगह पर यह हुआ उसे आज भी खूनी दरवाजा के नाम से याद किया जाता है आइए अब इस लेक्चर को समराइज करते हैं समरी ध्यान से देखा जाए तो मुगल्स अपने इंटरनल वीकनेसेस कोर्ट कंस्पिरसीज और ट्रेडिशनल सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के कारण नाइनटींथ सेंचुरी तक मिलिटेरिली इेलिवेंट हो गए थे पर ब्रिटिशर्स बहुत ही शूडली अपने कोलोनियल रूल को लेजिटिमाइज करने के लिए मुगल एंपर को 1803 से 1857 एडी तक सिर्फ एक पॉलिटिकल फ्रंट की तरह इस्तेमाल करते हैं लेकिन एक ब्रॉडर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेस तैयार होने के बाद वे 1858 एडी के क्वीन्स प्रोक्लेमेशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ मुगल रूल को फॉर्मली ओवरथ्रो कर देते हैं ट्वेंटीएथ सेंचुरी आते आते इंडियंस को ब्रिटिशर्स की व्हाइट मैंस बर्डन थियरी में लूप होल्स नजर आने लगते हैं और एक लंबे फ्रीडम स्ट्रगल के बाद भारत फाइनली रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉलोनियल रूल से आज़ाद हो जाता है दोस्तों ये थी कहानी ब्रिटिशर्स के मुगल्स को डिस्प्लेस करने की हिस्ट्री सीरीज़ का यह एपिसोड आपको कैसा लगा मेरे साथ जरूर शेयर करें